morning, all of you. Today revise at tradition some question given on the blackboard. First question, 25x square minus 64y square. We know that a square minus b square is equal to a plus b or a minus b. Question number one, 25x square minus 64fy square minus 64y square. This square is only x, not in 25. So proper completing a square means 25 is a square of 5. So 5x square minus 8 is 64. And 8y square, now in the form of a square minus b square. In the place of a is 5x, and in the place of b is 8y. So a plus b or a minus b, in this question 5x plus 8y and 5x minus 8y. It is your answer. यहाँ पर कंप्लीट फैक्टराइजेशन है, ओके? नाउ क्वेश्चन नंबर टू, 8ab स्क्वायर माइनस 18ab माइनस 18ab. अब यहाँ पर 8 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता है. a यहाँ a 1 टाइम्स है, यहाँ a 3 टाइम्स है, यहाँ b 2 टाइम्स है, और इसमें b नहीं है. इस टाइप का क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल टेक मैक्सिमम कॉमन. तो क्या कॉमन लेंगे इसमें हम? फर्स्ट ऑफ ऑल टेक कॉमन 8 और 18 का मैक्सिमम कॉमन इज 2. इसमें a 1 टाइम्स है और सेकेंड टर्म में a इज 3 टाइम्स. तो a टेक इन 1 टाइम. नाउ 4b स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर, इसको कहते हैं कॉमन लेना. अगर आप अभी ब्रैकेट को मैं इसको मल्टीप्लाई कर दो 2a को, तो सेम यही चीज आएगा, अगर ना? तो आप कॉमन लिए हैं फैक्टराइजर करने के लिए. अब दिस टर्म इज 2b का स्क्वायर एंड दिस टर्म इज 3a का स्क्वायर. तो नाउ 2b का होल स्क्वायर माइनस 3a का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स a प्लस b और a माइनस b, a प्लस b एंड a माइनस b. अब आपका ये कंप्लीट फैक्टराइजेशन ये समझ में आ गया? बोलो. नेक्स्ट क्वेश्चन,
फर्स्ट और फर्स्ट सेकंड बनाए थर्ड क्वेश्चन इज 9 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पर आपको खुद समझना है कि हम किस फॉर्मूला का यूज करते हैं, यहां पर हम किस फॉर्मूला का यूज करें। क्वेश्चन एक बार और देखो, 9 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी का होल स्क्वायर है ना। तो वी नो दैट ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर तुम देखो इस तीनों टर्म को कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला, और 9 ऑलरेडी स्क्वायर है ही, 9 कंप्लीटिंग स्क्वायर किसका है तो 3 का स्क्वायर। तो फर्स्ट 3 का स्क्वायर और इस तीनों टर्म से माइनस कॉमन ले लो, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे आया देखो, माइनस इनटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab और माइनस इनटू प्लस माइनस बी का स्क्वायर। अब आपका ये कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, यानी 3 का स्क्वायर माइनस किसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका कंप्लीटिंग स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। किसका कंप्लीटिंग स्क्वायर है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। नाउ अभी भी एक कंप्लीट फैक्टराइजेशन नहीं हुआ है, अब अभी हम ये फॉर्म बनाए हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। इन द प्लेस ऑफ ए इज 3 और इन द प्लेस ऑफ बी ए माइनस बी। अब आप लिख सकते हो ए प्लस बी और सेकेंड फैक्टर इज ए माइनस बी, ऐसा। अभी एक टर्म और बढ़ाएंगे क्योंकि ये जो माइनस आया ए माइनस बी ये माइनस दोनों टर्म के लिए है, इसलिए ब्रैकेट में देना पड़ा, ये प्लस दोनों टर्म के लिए इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। फर्स्ट फैक्टर 3 प्लस ए माइनस बी और अदर फैक्टर 3 माइनस ए और माइनस माइनस प्लस बी। ओके, इसको प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3 में, इन क्वेश्चन नंबर 3 किसी को प्रॉब्लम भी है? हाँ, कहाँ प्रॉब्लम है? नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहीं प्रॉब्लम भी है? जैसे यहाँ पर आपका प्लस है तो जब हम माइनस कॉमन ले लिए यहाँ तीनों टर्म से तो यहाँ ए स्क्वायर आया, और यहाँ माइनस इनटू माइनस करेंगे तो प्लस होगा, और
और यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, ये किसका फॉर्मूला आ गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो जब ये माइनस करोगे तो दोनों में प्रोडक्ट होगा, तो यहाँ पर माइनस ए और माइनस माइनस प्लस बी, और ये प्लस करेंगे तो कोई भी अंतर नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, एक्स टू द पावर फोर माइनस 625, 625 का प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 5 to the power 4 आएगा, यानी 5 4 times आएगा, यानी आप लिख सकते हो माइनस 5 to the power 4। फर्स्ट स्टेप क्या किए, एक्स टू दी पावर 4 माइनस 5 to the power 4 और एक्स टू दी पावर 4 माइनस 5 to the power 4। पावर 4 का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, हम फॉर्मूला केवल स्क्वायर का पढ़े हैं, क्यूब के फॉर्म में पढ़े हैं, 4 का कोई फॉर्मूला पढ़े हो नहीं पढ़े हो, तो इसको हम चेंज करेंगे स्क्वायर के फॉर्म। हम एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिए, क्योंकि पावर पावर प्रोडक्ट करेंगे तो पावर 4 आएगा। सिमिलरली 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर का स्क्वायर, यानी ए के प्लेस पर एक्स स्क्वायर, बी के प्लेस पर 5 का स्क्वायर। तो आप फिर क्या कर दो इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ए प्लस बी, ए के प्लेस पर एक्स स्क्वायर और बी के प्लेस पर 5 का स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अभी भी ये कंप्लीट फैक्टराइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि प्लस का तो फैक्टराइज नहीं होता है लेकिन माइनस का होता है। अभी इसका और फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, इसका फिर करोगे एक्स, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 25 और एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5। अब आपका ये कंप्लीट फैक्टराइजेशन हुआ, यानी 3 फैक्टर में आया, फर्स्ट फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 5 25, सेकेंड फैक्टर एक्स प्लस 5 और थर्ड फैक्टर एक्स माइनस 5। अब यहां जाकर के आपका ये कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो गया। क्या इसको किसी को प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, नहीं है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5
5 में a माइनस b माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोलो बोलते चलो। नहीं, पहले आपको a माइनस में छोड़ देना होगा और इस दोनों से माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहला स्टेप समझ में आया? ये फर्स्ट स्टेप समझ में आया। इसको हम रहने दिए a माइनस बी और इस दोनों टर्म से माइनस को कॉमन ले लिए, माइनस को कॉमन ले लिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आया। We know that a square minus b square is equal to a plus b and a minus b. क्या लिखेंगे इसका? a plus b और a minus b। अब बताओ क्या करें? अब हम क्या करें? एलसीएम क्यों निकालेंगे? यहां आपका डिनोमिनेटर में कुछ भी है, यहां पर हमको कॉमन ले लेना है जो दोनों टर्म, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, इसको कहते हैं कॉमन लेना। ए माइनस बी और ए माइनस बी, हम क्या करेंगे? कॉमन लेंगे।